यूपी के चुनावी दंगल पर नजर डालें तो यह साफ है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच होने जा रहा है। दोनों यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने सहयोगी दलों की पहचान भी कर ली है और गठबंधन भी कर लिया है, लेकिन जमीनी हकीकत आखिर क्या है आपको बताएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। उत्तर प्रदेश में सियासी दिवाली जिस अंदाज से मनाई गई उसे देखते हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर बहुत कुछ साफ हो जाती है। एक तरफ राम का नाम है, राम राज्य की परिकल्पना है, दूसरी तरफ राम को प्यारे हुए किसानों की याद है, महंगाई और बेरोजगारी के मारे राम के बंदे हैं। वोट राम के नाम पर भी मांगा जा रहा है और राम राज्य लाने के संकल्प के नाम पर भी। आखिर 9 लाख दिए ऐसे लाभार्थियों का प्रतीक बताए गए जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है, ऐसा घर जिसकी देहरी पर वो दिया जला सकते हैं। उधर विपक्ष ने इसका तोड़ निकाला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक दिया कोरोना में मरे लोगों के घर वालों के प्रति संवेदना दर्शाने के लिए ही जला लिया होता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से दिवाली लखीमपुर खीरी कांड स्मृति दिवस के रूप में भी मनाने को कहा। कहा कि एक एक दिया लखीमपुर में गाड़ी से कुचल दिए गए किसानों के नाम पर जलाया जाए। जहां हम दिवाली मना रहे हैं वहीं ये भी विचार करना पड़ेगा कि आज भी गरीब गरीबी के कारण भरपेट खाना नहीं खा पा रहा है और जिस उत्साह और खुशी के साथ त्यौहार मनाना चाहिए गरीब आज महंगाई के कारण त्यौहार भी नहीं मना पा रहा है। और आज जब अखबार खोल के देखा होगा तो बागपत में एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि कर्ज था उसके ऊपर, किसान संकट में जा रहा है। बीजेपी और विपक्ष के दियों में फर्क कि बीजेपी के दिए एक साथ जले, एक ही अग्नि से प्रज्वलित हुए, उधर विपक्ष के दिए अलग अलग जले, अलग अलग देहरी पर जले। यही फर्क चुनावी राजनीति की रोशनी फैलाने में भी दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या के बहाने यानी राम मंदिर के बहाने कार सेवकों पर चली गोली की याद दिला रहे हैं। बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं से लेकर मीडिया सेल भी बता रहा है कि कैसे मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में कार सेवा करने गए राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। योगी के लिए अब्बा जान मुलायम अब मौलाना मुलायम हो गए हैं। अब्बा जान कहने वाले आसन हजम कर जाते थे। उधर अखिलेश भी इस खेल को समझ रहे हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और रिवर्स ध्रुवीकरण की बिसात बिछाई जा रही है। अब्बा जान के बयान पर उन्होंने बस इतना कहा था कि योगी जी के पिताजी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, अब मुलायम सिंह के मौलाना पर भी चुप्पी साधे हैं। अलबत्ता हाल ही में जिन्ना को महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ आजादी दिलाने वालों में शामिल करने वाले बयान पर बवाल मचा था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने। कुल मिलाकर योगी हिंदुत्व और उग्र हिंदुत्व का तड़का विकास के साथ लगा रहे हैं तो अखिलेश को मुस्लिम वोटों के किसी भी संभावित विभाजन को रोकने की चिंता सता रही है। दरअसल योगी के लिए हिंदुत्व की राजनीति करना उनकी सियासी मजबूरी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति के आधार पर लड़ा जाए। जाति को धर्म तोड़ता है और योगी इसलिए भी राम भरोसे हो चले हैं। यूपी में चुनाव का मतलब 12% जाटव, 10% यादव, 19% मुस्लिम, 11% ब्राह्मण, 8% गैर जाटव दलित, 30% गैर यादव ओबीसी है। लेकिन योगी चाहते हैं कि चुनाव सीधे सीधे मुस्लिम, यादव एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ हो जाएं। उधर बीजेपी आलाकमान के चुनावी टूल किट में धर्म के साथ साथ गरीबों के लिए कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं भी हैं, जिसका लाभ पहले भी बीजेपी को मिलता रहा है।
इसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन के साथ साथ अब तेल चीनी देने की बात भी कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत यूपी के बलिया से की थी और दूसरा चरण भी महोबा यूपी से ही शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उजाला योजना, हर घर नल के लिए जल, किसान सम्मान निधि योजना, इज्जत घर जैसी तमाम योजनाओं के साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में उतरेंगे। उधर योगी के जिम्मे महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल की मौतों के बावजूद हिंदू वोट बैंक को छिटकने से रोकना होगा। एक तरफ हिंदुत्व, दूसरी तरफ विकास, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना बड़ा जरूरी है। वैसे बीजेपी के पास दोनों मोर्चों पर दो दो मजबूत सेनापति हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी कोई राजनीतिक जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। उसने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ चुनावी समझौता किया है। बड़ा सवाल उठता है कि अखिलेश यादव के पास इसका तोड़ क्या है। अगर योगी के साथ पूरा बीजेपी और संघ परिवार है तो अखिलेश के साथ पूरा मुलायम सिंह परिवार है। अखिलेश को उम्मीद है कि यादव वोट बैंक के साथ साथ पूरा मुस्लिम वोट उसके पास आएगा। साथ ही ओम प्रकाश राजभर की, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल और चंद्रशेखर रावण की दलित सेना साइकिल को धक्का लगाएंगे तो साइकिल सत्ता की सड़क पर सरपट दौड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ लिया जाए और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर एक पेंच है जो साइकिल को पंचर कर सकता है। ये पेंच एक तिहाई सीटों के जुगाड़ से जुड़ा है। यूपी में मायावती 2007 में और अखिलेश यादव 2012 में करीब 30% वोट के साथ सत्ता में आए थे। वहीं बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 40% वोट मिले थे और साथियों के साथ मिलकर उसने 403 में से 325 सीटें जीती थी। जानकारों का ये भी कहना है कि अगर यूपी में चार बड़े दल यानी बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो 30-31% वोट सत्ता दिलाने के लिए बहुत होते हैं। कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को हराना है तो कम से कम दो विपक्षी पार्टियों को इस तरह मिलकर चुनावी कसरत करनी पड़ेगी। अब ये चाहे सपा और बसपा हो, या फिर बसपा और कांग्रेस हो, या फिर कांग्रेस और सपा हो, लेकिन क्या ये संभव है? जानकारों का कहना है कि यूपी का चुनाव बिहार जैसा होता जा रहा है। बिहार में तीन बड़े दल हैं, नीतीश का जेडीयू, लालू का आरजेडी और बीजेपी। देखा गया है कि जहां दो दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव निकाल ले जाते हैं। लालू नीतीश एक हुए तो जीते, नीतीश बीजेपी एक हुए तो जीते। ठीक इसी तरह यूपी में भी बीजेपी को हराना है तो विपक्ष या तो पूरी तरह से एक हो जाए या फिर कम से कम दो दल। आज की तारीख में ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। अब तो खुद अमित शाह कह चुके हैं कि 2024 में अगर मोदी को जिताना है तो 2022 में यूपी में योगी को जिताना है। कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है। ये चक्का है, इसे मैंने जहां से घुमाना शुरू किया ये वापस वहीं आ गया। अब उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करें तो इतिहास बताता है कि जो भी पार्टी अपने दम पर सत्ता में आती है वो 5 साल बाद फिर चुनाव होता है तो 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाती। अब इतिहास अपने आप को दोहराएगा, यानी चक्का घूमकर अपनी जगह आएगा, या फिर योगी आदित्यनाथ इतिहास को नए सिरे से रचेंगे, यानी चक्का उल्टा घुमाएंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, एबीपी। ABP News, आपको रखे आगे।